हैंडसम होकर आए हो आप, अच्छा रेडी होकर। गीत बेटी हमारे गांव की एकमात्र खुशी है। दोस्तों ये है प्रेम गीत 3 का एक प्रमुख किरदार जिनका नाम है सुनील थापा। क्या आपको पता है ये कोई छोटे मोटे स्टार नहीं, इन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्में अलग अलग भाषा में की हैं और ये काफी ज्यादा फेमस है। इन्होंने बॉलीवुड, साउथ इंडियन, भोजपुरी, नेपाली और कई सारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी किरदारों को निभाया है और इसीलिए इनका एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है और इसीलिए इनको प्रेम की 3 के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में लिया गया है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका एक्टिंग कितना बेहतरीन होगी। सिर्फ फिल्म ही नहीं, इन्होंने कई सारी टीवी सीरियल भी किया है। इन्होंने नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के नाम रोशन किया है, साथ ही साथ बड़े किरदार भी निभाए हैं और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इनको जानते हैं और उनके साथ काम किया है 1981 के जमाने से। शायद आपको पता नहीं होगा इन्होंने कितनी सारी किरदार निभाए हैं। हाल ही में इनको देखा गया था मेरी कॉम मूवी में, जहां पर वो मेरी कॉम के कोच के रूप में नजर आए थे, जहां पर उनकी एक्टिंग शानदार और जबरदस्त थी। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी। हैंडसम होकर आए हो आप, अच्छा रेडी होकर। एक औरत माँ बनकर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुम्हारा ताकत अब दोगुना बढ़ गया। हर किसी ने उनका तारीफ किया और बॉलीवुड में काफी चर्चा हुई। सुनील थापा के पिता बॉक्सिंग ट्रेनर थे। सुनील थापा को उनके पिता ने ही बॉक्सिंग ट्रेनिंग दिया था, जिसके चलते उन्होंने मेरी कॉम में जबरदस्त किरदार निभाया, इसीलिए लोगों को काफी पसंद आया। साथ ही उनकी सलमान खान प्रोडक्शन फिल्म क्वाटा चल ही आ रही है। आपको बता दूं कि इनका करियर 1981 में शुरू हुआ था। उनका पहला फिल्म एक दूसरे के लिए में और उनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी और अमिताभ बच्चन और जीनत अमन जैसे स्टार ने उनका तभी काफी तारीफ किया था। राइट फ्रॉम अमिताभ सर टू जीनत अमन टू, और अब वो प्रेम की 3 में बड़ा कैरेक्टर निभा रहे हैं। इनका प्रेजेंस ही फिल्म में काफी जरूरी है इंडियन व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो चाहते हैं नेपाली फिल्म इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करे। सुनील थापा का लक्ष्य है कि वो हॉलीवुड में भी काम करे। शायद आने वाले समय में हम उनको हॉलीवुड में भी देख सकते हैं। 300 से ज्यादा उन्होंने फिल्म बना ही लिया है और ये कोई कम बात नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अपने लास्ट ब्रीथ तक फिल्म बनाते रहेंगे। सुनील थापा नेपाली फिल्म जगत का सितारा है और इनकी हर फिल्म की तरह प्रेम की 3 में भी इनका एक्टिंग बहुत जबरदस्त लग रही है। सुनील थापा के लाइफ में काफी ट्रेजेडी भी रहा है। वो अपनी बेटे को लेकर काफी इमोशनल दिखे हैं हमेशा, क्योंकि इनके बेटे अनमोल थापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और 100% पैरालिसिस हुआ था। उन्होंने तब सारा कुछ छोड़कर 6 महीने से ज्यादा टाइम अपने बेटे के साथ रहे। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ के आशीर्वाद से ठीक हुए उनके बेटा अनमोल। लाइफ की कुछ इतनी उतार चढ़ाव के बाद वो इतने बड़े एक्टर बने, इसलिए हम सबको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। और अगर आप भी उनके काम से प्राउड महसूस करते हैं तो उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओनली नेपाल। ध्यान से खेलो चुंगनी चांग, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा।